सुबह का कुछ बात ही अलग होता है। सो हे दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ध्रुव द ब्लॉगर पर। दोस्तों, आज आर्मी से रिलेटेड वीडियो नहीं बन रहा है, आज मैं बना रहा हूँ अपने खेत के बारे में। अभी मैं जा रहा हूँ खेत, देख सकते हो रास्ते में हूँ। ये पूरा खेत ही खेत है और चारों तरफ पूरा थ्रेसर ही थ्रेसर अभी चल रहा है। तो आज हम लोग का धान कटाई है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। वो मेरी बहन और वो मेरे मम्मी पापा भी साइकिल में आ रहे हैं। अपने घर से ये खेत करीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हम लोग का खेत। ऐसे रास्तों से फिर गुजरना पड़ता है। ये पार है, पार इसको बोलते छत्तीसगढ़ी में मेड़। दोस्तों, मैं पहले बार अपने लाइफ में पहले बार खेत गया हूँ धान कटाई के लिए, तो कुछ इस ऐसा हाल दिख रहा है मेरा। पहले बार गया हूँ, मुझे धान कटाई के बारे में बिल्कुल जानकारी भी नहीं था, क्योंकि बचपन से कोई सीख कर नहीं आया था। कुछ काम करोगे तभी आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो मैं भी अभी अपना खेत का कारोबार अभी देख रहा हूँ। लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है अभी। दोस्तों, आज है दूसरा दिन। आज हम लोग फिर से जा रहे हैं वही खेत पर। आज का काम नहीं हो पाया था, सॉरी आज का काम बोलता हूँ, कल का जो काम था वो नहीं हो पाया था, तो आज फिर से हम लोग को वहाँ जाना पड़ रहा है। कहाँ खेत, तो अभी धान कटाई चल रहा है तो अभी वहीं जा रहे हैं। बच गया, अभी मैं गिर ही गया था। सीधा सो कर उठो फिर खेत निकलो, ऐसा हाल है अभी मेरा। अभी आप देख सकते हो, ये है हम लोग का खेत जाने का रास्ता। और ये गन्ना, और गन्ना तो काफ़ी लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ में ये नॉर्मल हो गए हैं अब। गन्ना तो सभी के गांव में मिल जाता है। ये धान है, धान का खेत था, इन लोग का हो गया कंप्लीट। ये धान भी कटाई हो गए है और हम लोग का भी बचा है। आज मैं पूरा कंप्लीट कर जाना है, करीबन 2 बज जाएगा, और उसके बाद फिर आएगा यहाँ पर थ्रेसर। तो ओके, काम जो है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब जाएगा 1-2 दिन के बाद में थ्रेसर, फिर उसका धान का फिर सब काम हो जाएगा। अभी मैं हूँ अपने गांव के ग्राउंड में, जैसा कि आप देख सकते हैं यह है मेरे गांव का ग्राउंड। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।